उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ द्वारा आज बेसिक शिक्षा अधिकारी के यहां धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें शिक्षकों को वेतन विसंगति पुरानी पेंशन कैशलेस जैसी 16 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया, जिसमें शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष दिनेश चंद शर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष शिवशंकर पांडे आदि उपस्थित रहे। फिरोजाबाद से सवार सिंह की रिपोर्ट, स्केच न्यूज। किस माध्यम से किया जा रहा है? हमारे शिक्षकों की मांगों के संदर्भ में प्रदेशीय नेतृत्व द्वारा 22 और 23 तारीख को 23 तारीख को ज्ञापन दिया जाएगा मुख्यमंत्री के नाम डीएम साहब को, उसके संबंध में धरना प्रदर्शन है। जब तक मांगें पूरी नहीं होंगी बार बार धरना प्रदर्शन होते रहेंगे। क्या मांगे आपकी? हम लोगों की मांगे पुरानी पेंशन लागू करना, 16 सूत्री मांगे हैं उसमें, पुरानी पेंशन, स्कूलों में अपनी सुचारू व्यवस्था करना, चार दीवारी, MDM टाइम पे MDM कन्वर्जन। क्यों, किस तरह मतलब आया? ये हम लोगों का उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ है जो पूरे उत्तर प्रदेश में कार्यरत है, तो प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर आज का दिन हम लोगों ने 22 और 23 तारीख दो दिन में सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया है। हमारी 16 सूत्रीय मांगे हैं। क्या मांगे? जैसे अभी आपको हमारे अध्यक्ष महोदय जी ने बताया था कि हम लोगों के यहाँ वेतन विसंगति बहुत है, वो उसको ठीक करने के लिए काफ़ी समय से मांग कर रहे हैं। पुरानी पेंशन बंद कर रखी है, उसके संबंध में मांग है कि जब नेता विधायक एक दिन शपथ ले लेता है तो उसे जब मिल जाती है पुरानी पेंशन, तो जो शिक्षक 62 वर्ष का होकर रिटायर होगा वो कहाँ जाएगा अपने बुढ़ापे में? तो वो भी एक हमारी प्रमुख मांग है। कैशलेस सुविधा हम लोगों को नहीं मिलती है, वो भी हमारी डिमांड्स में है। तो ये 16 सूत्रीय मांगे हैं, काफ़ी समय से पेंडिंग है और पिछली सरकार में भी एक कमेटी गठित हुई थी जिसमें ये बताया था कि वो इस पर विचार करेगी, पर मांगे आपकी पूरी नहीं की जाती हैं तो क्या करेंगे आप? तो ये निरंतर धरना प्रदर्शन प्रदेश के आह्वान पे चलता रहेगा, क्योंकि अभी दो दिवस का सांकेतिक धरना प्रदर्शन है, उसके बाद हमारा प्रतिनिधिमंडल बात करेगा वहाँ पे लखनऊ में, तो उसके बाद निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ तो समाधान होगा। यदि नहीं होता है किसी भी तरीके से और बिल्कुल ही अनसुना किया जाता है तो प्रांतीय नेतृत्व शांत नहीं रहेगा और उसके आदेश के अनुसार हम लोग भी चुप नहीं बैठेंगे, हर जनपद पर धरना प्रदर्शन निरंतर चलेगा। अभी यहाँ के कोई आला अधिकारी से भी आपकी बात कोई हुई है? जी नहीं, हम जब से आए हैं हम सभी लोग निरंतर रूप से बैठे हैं, अपनी बातें कर रहे हैं, पर अभी तक कोई अधिकारी ज्ञापन लेने स्वयं नहीं आया है।